नमस्कार दोस्तों, टीके 3D होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके लिए एक प्लान लेके आया हूँ। प्लॉट की साइज़ है 32 फीट बाय 40। ये देखिए, 32 फीट बाय 40 फीट, और रोड जो है ईस्ट साइड रोड है और नॉर्थ साइड रोड है, मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। ठीक है, इसमें लिविंग रूम की साइज़ जो है वो लगभग 12.5 बाय 16.5 फीट है, और यहाँ पे किचन है, ये वास्तु के हिसाब से यहाँ पे किचन दिया है, ये 13.5 बाय 10.5 का है किचन है, और पीछे किचन के पीछे एक वॉश एरिया रखा है, और यहाँ पे एक बेडरूम है और दूसरी जो बेडरूम है यहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं ये रोड से। ये रोड से जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ये पोर्च रहेगा, यहाँ पे एक वरांडा है, ये जो है ये वरांडा है, वरांडा रहेगा। ये वरांडे के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम लिविंग रूम में एंट्री करते हैं, और ऊपर यहाँ पे यहाँ से हम ऊपर के लिए, ये स्टेयर केस है, ये ऊपर के लिए यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये पोर्च पे और पहुँच जाएंगे, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी, और इसके नीचे हम पार्किंग रख सकते हैं। पार्किंग कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, टू व्हीलर का पार्किंग आराम से हो जाएगा, टू व्हीलर की पार्किंग के लिए बनाए हैं। और एंट्री करेंगे, जैसे यहाँ से अब एंट्री करेंगे लिविंग रूम में, मतलब हॉल में, तो यहाँ पे देखिए ये हॉल, ये 12.5 बाय 16.5 फीट का है। लिविंग रूम में आने के बाद यहाँ से हमने 3 फीट 10 इंच का, मतलब लगभग 4 फीट का एक पैसेज है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से हम बेडरूम, ये एक बेडरूम है, ये बेडरूम की तरफ भी जा सकते हैं। ये बेडरूम की साइज़ है 11 बाय 13.5, ठीक है, ये 13.5 AC है और 11 फीट AC है। उसके पीछे यहाँ से फिर वापस आने के बाद यहाँ से हम जा सकते हैं किचन। देखिए किचन, किचन की साइज़ भी लगभग 13.5 बाय 10.5 फीट की है, ये देखिए ये 10.5 है और ये 13.5 है। और किचन को हमने दो विंडोज़ रखी है, यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे एक विंडो है, क्योंकि इधर से रोड है और इधर से वॉश एरिया है, ये ओपन स्पेस हमने रखा है वॉश एरिया। और किचन के लिए एग्ज़िट करने के लिए, किचन को यहाँ से एग्ज़िट करने के लिए डोर रखा है, ये वॉश एरिया। और अब इधर आते हैं, यहाँ से हमने ये टॉयलेट बाथरूम दिया है, ये बाथरूम की साइज़ है लगभग 5 फुट 10 इंच बाय 4 फीट, मतलब लगभग 6 बाय 4 का बाथरूम आता है, और ये WC जो है ये लगभग 4.25 बाय 3 फीट का है, ये रेगुलर साइज़ है देखिए। और उसके पीछे यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, ये देखिए यहाँ पे वेंटिलेटर है, ये यहाँ पे एक वेंटिलेटर है और यहाँ पे एक वेंटिलेटर, ये जो है ये ओपन डक्ट रखा है हमने, हाँ ये ओपन डक्ट है, यहाँ पे स्लैब वगैरह नहीं रहेगा, यहाँ से जो भी हमारी आउटलेट की पाइपलाइंस वगैरह जो है ऊपर के मंजिल की WC बात की, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और इधर से दूसरों की जगह रही तो यहाँ से पैक भी कर दिया, तो ये हमारा वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे WC और बात की वेंटिलेशन की यहाँ पे जगह रहेगी, ठीक है। और वही उसके नज़दीक लगभग यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बेडरूम है और एक बेडरूम, ये लगभग 12 फीट 11 इंच, मतलब 13 फीट बाय 10.5 फीट की है, ठीक है, ये 13 फीट बाय 10.5 फीट की है। और इस बेडरूम के लिए हमने यहाँ पे विंडोज़ रखी है, और लिविंग रूम के लिए भी यहाँ पे विंडोज़ रखी है। क्या है कि इनके ये इस प्लॉट में यहाँ पे जो है यहाँ से एक छोटी गली निकल रही थी, इसलिए इनका विंडोज़ यहाँ से रखी है। अगर आपके प्लॉट में इधर से कुछ नहीं होगा तो आप ये विंडोज़ कैंसिल भी कर सकते हैं, ये देखिए ये विंडोज़ भी कैंसिल कर दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे विंडो तो हॉल के लिए यहाँ पे विंडो है ये, और ये भी विंडोज़ बेडरूम का जो विंडो है ये भी कैंसिल कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे हम विंडो रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक विंडो रख सकते हैं,
और इसके बाद में यहाँ पे जो है हमने लगभग 3 फीट 9 इंच का ये पैसेज रखा है। हाँ, ये विंडो आपको कभी छोटी भी लग रही तो कोई बात नहीं, ये जो पूरा प्लान है हम उधर भी ले सकते हैं, इस प्लान को इधर ले सकते हैं, क्योंकि 3 फीट 9 इंच रखा है तो लगभग 2 फीट भी रख दिया, या डायरेक्टली रोड पे भी ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से इधर की साइड से हम अपनी और आपकी जगह रख सकते हैं, तो इसका इससे ये फ़ायदा होगा कि इधर से भी हम जो विंडोज़ दिखाई है वो भी विंडोज़ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ये पूरा प्लान देखिए आप, ये देखिए ये प्लान। तो आशा करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत पसंद आया है। अगर आपको प्लान पसंद आया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।